और चलिए अब बुलेटिन में 5 मिनट में 25 खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना का कहर बरकरार, दुनिया भर में 59 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, अब तक करीब 3,61,000 लोगों की हो चुकी मौत, 25,89,505 केस हो चुके रिकवर। कोरोना से अमेरिका में बिगड़े हालात, अब तक 17,68,000 से ज्यादा पॉजिटिव, 1,03,330 लोगों की भी मौत, पिछले 24 घंटे में 1,223 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। एशिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में, दुनिया भर में भारत पहुंचा 9वें स्थान पर, देश में एक दिन में रिकॉर्ड 7,135 मरीज मिले। भारत में कोरोना का कहर जारी, कुल 1,65,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज, अब तक 71,000 से ज्यादा रिकवर्ड, तो 4,700 से ज्यादा की भी मौत। लॉकडाउन 5.0 पर मंथन, गृह मंत्री अमित शाह ने की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, लॉकडाउन 4.0 के वर्तमान हालात पर चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, अब तक मिले करीब 57,000 पॉजिटिव केस, मृतकों की संख्या पहुंची 1,897। दिल्ली में कोरोना के नए केस आए सामने, पीड़ितों की संख्या पहुंची 16,000 के पार, वहीं अब तक करीब 300 से अधिक लोगों की हुई मौत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं का जताया आभार, बोले इन हीरोज को पूरी दिल्ली करती है सलाम, ट्विटर पर शेयर की स्टोरी। भारत चीन विवाद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के साथ सीमा विवाद पर अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी, तो लद्दाख में चीन के तेवर पड़े नरम। दिल्ली के ईडी मुख्यालय तक पहुंचा कोरोना संक्रमण, स्थापना विभाग में तैनात अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल विभाग के बड़े अधिकारियों ने दफ्तर सील करने से किया मना। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता दायरा, 24 घंटे में 7 मौत, 251 नए पॉजिटिव केस आए सामने, मौत का आंकड़ा पहुंचा 180, पॉजिटिव मरीज 806। राजधानी जयपुर में कोरोना का बढ़ता दायरा, पिछले 24 घंटे में 1 मौत, 7 मरीज आए पॉजिटिव, अक्टूबर तक देश को मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन, प्रोफेसर विजय राघवन बोले 30 से ज्यादा ग्रुप कर रहे हैं वैक्सीन पर काम। सुप्रीम कोर्ट के फरमान ने उड़ाए निजी अस्पतालों के फ्यूज, सस्ती दरों पर जमीन लेने के बावजूद सरकार की मदद के बजाय कमाई में जुटे अस्पताल, कोरोना जैसी महामारी में भी आगे बढ़कर मदद से बच रहे हैं निजी अस्पताल। रेलवे ने किया लॉकडाउन के बीच नियमों में बदलाव, 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग, तो 120 दिन पहले रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी श्रमिकों के मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब, कहा प्रवासी श्रमिकों के लिए अब तक क्या किए गए इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, कहा मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया ना लिया जाए, राज्य सरकार किराया दे। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान, स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत उठाई जा रही आवाज, सोनिया राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता रख रहे अपनी बात। स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत राहुल गांधी, अविनाश पांडे, रघु शर्मा ने की मांग, हर परिवार को केंद्र दे 10,000, कुटीर उद्योगों को वित्तीय मदद और मजदूरों को घर पहुंचाने की मांग। प्री मॉनसून गतिविधियों की 30 मई से शुरू होने की संभावना, उधर 8 जून को महाराष्ट्र पहुंच सकता है मॉनसून। कोरोना को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में मंथन, सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव बैठक में हुए शामिल, तो वहीं कोरोना प्रभावित महानगरों के नगर निगम कमिश्नरों ने भी दिया फीडबैक। यूपी में फंसे 22 नेपाली छात्र घर भेजने के लिए योगी सरकार ने चलाई मुफ्त बस, उत्तराखंड से लखनऊ आए थे नेपाली छात्र। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया क्वारंटीन सेंटर का दौरा, सेंटर पर किए गए इंतजामों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदने और इस्तेमाल करने की बात कही, सीएम योगी खुद कर रहे प्रचार, यूपी सरकार के मुताबिक ये डिवाइस थर्मल गन से अच्छा है। हांगकांग में फिर जल सकते हैं चीन के हाथ, चीन की संसद में विवादित हांगकांग सुरक्षा विधेयक पारित, ट्रंप ने जताई थी नाराजगी।